दिवाली के अहले सुबह एक ऐसी मनहूस खबर आई कि सेलिब्रेशन का जो मूड था उसमें कहीं ना कहीं एक खलल पड़ गया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहां पे हुआ है। इस वक्त हम मूनलाइट बस के सामने खड़े हैं। ये खादगड़ा बस स्टैंड है, बस टर्मिनल है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। कई राज्यों के लिए यहां से बसें जो है खुलती है। और ये बस कहां से कहां जाती थी? रांची से चई बस। राकेश अपना नाम बताइए अपना। रांची से चई बस। आपका नाम क्या हुआ? उड्डू जी। यहीं पे रहते हैं आप? बस किसी बस में है आप? नहीं, बस का हम कोई नहीं। अच्छा, तो पैसेंजर है, यही रहते हैं काटा टोली में ही? जी। क्या हुआ, क्या घटना के बारे में पता चला? वो है? तो मैं था ही नहीं, मैं तो 12 बजे रात को। कहाँ से कहाँ चलती है बस? रांची से चाईबासा। रांची से चाईबासा जी। तो कैसे पता चला आप लोगों की इस तरह की घटना हुई है कुछ? अभी तो मैं आ ही रहा हूँ, लोग आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए प्रत्यक्षदर्शी लोग पहुँचने लगे हैं, आसपास जो रहते हैं इन अराउंड वो पहुँच रहे हैं। ये मूनलाइट बस है और देखिए किस तरह से आग कितना भयानक था, कुछ भी नहीं बचा है, लिटरली सब कुछ खत्म हो गया है, जलकर राख हो गया है। यहाँ पे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ड्राइवर और उसके जो असिस्टेंट थे वो भी इसमें जलकर राख हो गए हैं। हालांकि उसको बॉडी को हटा दिया गया है यहाँ से। आप देखिए पूरा ये किस तरह से आग का मैग्नीट्यूड होगा ये आप देख सकते हैं। फायर टेंडर्स आए, उसके पहले जो है सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि ये जो बस है इसके डैशबोर्ड में भगवान की मूर्तियां थी, यहाँ पे भगवान की मूर्तियां थी और चूंकि दीपावली था तो वहां पूजा पाठ किया गया था। वहीं शायद जो यहाँ के जानकारी मिली है, यहाँ पे दीपक जलाया गया था, उस दीपक से आग पकड़ता है। आग पकड़ने के बाद जो है किस तरह का फिर घटना हुआ वो सब कोई आप लोग देख सकते हैं। किस तरह का जो है यहाँ पे एक भी सीट आपको देख सकते हैं सुरक्षित नहीं है। नीचे चेचिस जो है वो भी बिल्कुल जल चुका है। विभत्स जो है दृश्य है बिल्कुल सामने जो है आप देख सकते हैं। और लगभग तकरीबन जो है घटना 1 बजे रात की बताई जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी भी इसमें से जलने की बदबू जो है वो आ रही है। साथ ही साथ जो दो लोग सवार थे उनके लिए ये आखिरी रात, आखिरी दीपावली की रात साबित हो गया। यहाँ कुछ और प्रत्यक्षदर्शी, आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं से हैं आप लोग? कहाँ से हैं सर? हम लोग यही लोकल है, काटा टोली। काटा टोली। कैसे पता चला? देखे थे रात में आग लगा था तो वैसे ही फोन आया तो हम लोग को पता चला कि यहाँ बस जला है। बस जला है, दो लोग भी खत्म हो गए, ड्राइवर खलासी जल के मर गए, ड्राइवर खलासी दोनों जी। तो ये क्या मतलब कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? वो तो जानकारी नहीं, अचानक आग लगा तो फोन किया दोस्त। लेकिन दिया जलाया गया था ये सुनने में आया, ये आइडिया नहीं है। तो ये देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जाहिर तौर पे रात में घरों पे होंगे, इस बस से जुड़ा हुआ कोई देखिए अभी भी बदबू यहाँ पे जलने की बदबू जो है वो आ रही है आगे से लेकर पीछे तक। पीछे कोई गेट नहीं है, जरूर जो है भागने की कोशिश जो है की होगी लेकिन तब तक विलंब हो चुका था, उतर नहीं पाया ड्राइवर और खलासी जो है। पीछे कोई गेट नहीं है इसमें, पीछे गेट है, पीछे गेट है लेकिन तब तक संभवतः बहुत लेट हो चुका था। ये देखिए इमरजेंसी गेट एक है यहाँ पे और अंदर ही वो सोए हुए थे, शायद मौका नहीं मिला कि वो उतर पाए और यहीं पे जलने से उनकी मौत हो गई दोनों की, ड्राइवर और असिस्टेंट की। तो कल की रात यानी दीपावली की रात जो है उनके लिए आखिरी रात साबित हो गई। जाहिर तौर पे प्राइमा फेसाई यही बातें आ रही है कि दीपक जलाया गया था, दीपावली का अवसर था, प्राइमा फेसाई। हालांकि जांच जो है इस पर पुलिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हर पॉइंट से कर रही है लेकिन प्राइमा फेसाई यही जानकारी मिल रही है कि दीपावली की रात थी, पूजा करने के बाद दीपक जलाए गए थे और उसके बाद गहरी नींद में ड्राइवर और उनके जो असिस्टेंट है वो सो रहे थे। आग पकड़ता है और नींद इतनी गहरी थी कि जब तक आग फैल जाता है और उनको अपने कब्जे में ले लेता है तब तक उनकी नींद नहीं खुलती है और उस समय तक शायद देर हो चुका था। दमकल की गाड़ियां भी यहां पे आई थी, आग बुझाने की कोशिश की गई। दमकल की गाड़ियां आई थी आप लोगों में से किसी को? हाँ हाँ, दमकल की गाड़ियां कब पहुंची थी? दमकल आई थी, दमकल, दमकल ही बुझाइए, दमकल बुझाइए, दमकल ही बुझाइए। अच्छा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, तब तक जल के राख। अच्छा, यहाँ जो लोग रहते हैं बसेस बहुत लगा रहता है, उन लोगों ने भी प्रयास किया क्योंकि वीडियो में आवाज आ रहा है उस तरह का? स्टाफ जो कल गाड़ी यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे होल्ड कर गई थी। हाँ, उधर की गाड़ी उधर,
और इंटरस्टेट गाड़ी चलती है, उधर की गाड़ी उधर रुक गई, इधर की इधर इंटरस्टेट चलती है और इधर स्टेट वाली चलती। हाँ स्टेट वाली भी बगल में स्टेट है, उसका भी इंटर स्टेट है। तो क्या हुआ कि जब आग लगने लगा तो स्टाफ लोग अफरा तफरी हो गया, वो लोग पानी से बाल्टी से कोशिश किया, वो लोग अपने पर जो जो चीज वो लोग को मिला वो कोशिश किया, मगर तब तक तो आग इतना ज्यादा था कि अच्छा, कोई आवाज वाज अंदर से नहीं आ नहीं अंदर से आवाज कुछ भी नहीं आया, मतलब फंस चुके थे तब तक। हाँ लगता है कि वो बेहोश हो गया होगा धुएं से। ये मूनलाइट बस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसी के जस्ट बगल में ये बस भी पार्क थी, कोहिनूर बस है ये, और ये देखिए ये भी जल गई है। और प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि अगर मौके पे प्रशासन नहीं पहुंचती और यहाँ जो बस स्टैंड में लोग मौजूद रहते हैं उन लोगों ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो कल शायद बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लाइन से बसें लगी हुई थी, दो तरफ से बसें प्लाई करती है, एक इंटरस्टेट बसेज और दूसरा जो राज्य के अंदर चलती है। तो जो मूनलाइट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई रांची से चाईबासा चलती थी, ये कहाँ चलती थी भाई आप लोग कोई बताएंगे? पूर्णिया। तो ये इंटरस्टेट बस था, भागलपुर पूर्णिया जाती है ये बस ना, तो ये भी बगल में खड़ी थी इसकी मूनलाइट, बगल में खड़ी थी तो ये हटा इसलिए बाकी बस बचा। नहीं तो फिर मैंने तो इसमें पकड़ता आग, ये इसमें आग पकड़ता फिर बाकी में पकड़ता। हाँ, बड़ा दुर्घटना घट जाता। तो देखिए दमकल भी वक्त से पहुंची, प्रशासन भी, लेकिन सबसे पहले अगर तत्परता दिखाई तो यहाँ बस स्टैंड में मौजूद लोगों ने, रात में बसेस फ्लाई करती है लॉन्ग डिस्टेंस की बसेस जो बिहार जाती है अन्य जगहों पे जाती है, तो कोहिनूर बस है ये और ये बगल में खड़ी थी, ये अगर हटाया नहीं गया था सूझबूझ से कुछ ड्राइवर ने आग लगे रहने के बावजूद इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करके यहाँ तक ले आए, इसको स्टार्ट करके लाया ना, स्टार्ट करके लाया कोई यहाँ का। अच्छा तो देखिए तत्परता दिखाई, जैसे ही उनको लगा कि यहाँ तक भी आग आ सकती है तो इसको बस को स्टार्ट किया गया, वहां से मूव करके इसको यहाँ लाया गया कि इस बस को खतरा ना हो, और इस बस को अगर खतरा होता तो लाइन से जितनी लगी बसें थी वहां तक भी फायर पहुंच सकती थी और उसका मैग्नीट्यूड और बहुत ज्यादा होता। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह का भयावह दुर्घटना था। मूनलाइट बस तो जलकर खाक हो गई, उसके बगल में ये खड़ी थी और फायर का कैसा इम्पैक्ट था आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे पीछे बिल्कुल दाहिना साइड जो है इसका जल गया है, ये विंडो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल स्मैश हो चुका है, उसका कांच जो है वो टूट चुका है। यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है बस, लेकिन समय पर इसको हटाया गया वहां से वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और ये प्रेमा फेसाई जो बातें आ रही है तो उसे यही जो है गैदर किया जा रहा है कि थोड़ी सावधानी अगर बरती गई होती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।